दोस्तों ट्रक बसेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हमारे पास है आज आइसर प्रो 3019 ट्रक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्राइस, स्पेसिफिकेशन, डिस्काउंट, ईएमआई और भी बहुत सारे फीचर्स के बारे में। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइसर प्रो 3019 के मुकाबले अशोक लेलैंड की 1920 आती है और टाटा मोटर्स की एलपीटी 1819 आती है। दोस्तों आप इस गाड़ी को काउल विद चेसिस, केबिन विद चेसिस और कैबिन विद लोड बॉडी ऑप्शन में आप इसे ले सकते हैं। तो आज हमारे पास है वो इसका काउल चेसिस वाला वेरिएंट है। तो ये गाड़ी तीन तरह के व्हील बेस में आती है, 4490 mm, 5490 mm और 6690 mm। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से कोई भी व्हील बेस ऑप्शन में इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। आप इस गाड़ी को 20 फीट, 24 फीट और 32 फीट लोड बॉडी ऑप्शन में खरीद सकते हैं। अगर हम इसकी GVW की बात करें तो हमें 18,500 kg का ग्रॉस व्हीकल वेट मिल जाता है और इसमें हमें 295/90R20 के टायर्स मिल जाते हैं। इसमें हमें आगे की साइड पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिए गए हैं और पीछे की साइड हमें सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाते हैं। आइसर प्रो 3019 में हमें 190 लीटर से लेके 425 लीटर तक की रेंज में हमें पॉलीमर का डीजल फ्यूल टैंक मिल जाता है और साथ में 27 लीटर का एडब्ल्यू टैंक भी मिल जाता है। इसका ग्राउंड क्लियरनेस वो 258 mm का मिल जाता है, जिससे अब उबड़ खाबड़ रास्तों में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर हम इस गाड़ी के चेसिस की साइज और थिकनेस के बारे में बात करें तो हमें 230 mm की डेप्थ और 6 mm की थिकनेस में यह चेसिस मिल जाती है। अगर हम इसके इंजन के बारे में जाने तो इसमें हमें E494 4 वोल्ट टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला 4 सिलेंडर का इंजन मिल जाता है, जिससे हमें 180 HP की पावर हमें 2600 RPM में देता है और साथ में 600 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमें लगभग 1200 से 1800 RPM में जनरेट करके देता है। दोस्तों हमारा मानना है कि आप इस ट्रक से लगभग 5 से 6 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज की उम्मीद कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपके ड्राइवर की ड्राइविंग हैबिट्स कैसी हैं, गाड़ी में लोड कितना है और रोड की कंडीशन कैसी है। दोस्तों इस सिंगल एक्सल ट्रक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब ओवरलोड के अंदर आपको गाड़ी नहीं चलानी होती है तो ये माइलेज सबसे अच्छी देता है, क्योंकि इसमें 4 सिलेंडर का इंजन लगा हुआ है और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण जो ई कॉमर्स में पार्सल कुरियर का काम करते हैं जिसमें ओवरलोड नहीं होता है उनकी BS6 में ये कहीं ना कहीं पहली पसंद धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। दोस्तों इसका एक्सोरूम प्राइस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और ऑन रोड प्राइस, डाउन पेमेंट, डिस्काउंट, फाइनेंस, ईएमआई के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों ट्रक बसेज पे अब आप अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस बेस्ट कीमत पर हमारे द्वारा करवा सकते हैं। अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने और इंक्वायरी के लिए गाड़ी की RC और पिछले साल की इंश्योरेंस पॉलिसी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। और आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही नई नई गाड़ियों के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसका पता तुरंत चल जाए। तो मैं मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।